कई ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ काम करने से एकदम मना कर दिया था, और आइए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन है वो अभिनेत्रियां जिन्होंने भाईजान के साथ काम करने से किया इनकार। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आपका बिग हेडलाइंस पर। सलमान खान न केवल बॉलीवुड के सबसे योग्य और सबसे मोस्ट वॉन्टेड एक्टर हैं, बल्कि आपको बता दें कि वो हर जगह उनका बोलबाला है। हमने हमेशा सोचा होगा कि बी टाउन की सभी अभिनेत्रियां उनके साथ किसी भी तरह से काम करना चाहती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हर अभिनेत्री के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे बॉलीवुड के ऐसे भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भाईजान के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। अब आइए मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस वजह से किन किन अभिनेत्रियों ने भाईजान यानी सलमान खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और क्या रही थी वजह। सबसे पहले नंबर पर हैं वन एंड ओनली ऐश्वर्या राय। यह नाम लेने में आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे, क्योंकि पहले स्थान पर उनका होना लाजमी है। आप बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होंगे, ऐश और सलमान ने एक लंबा इतिहास और उनकी लव स्टोरी एक लंबे समय तक चली थी, लेकिन आपको पता है कि दोनों के बीच कड़वी गोलमोल की वजह से दोनों के रिलेशंस समाप्त हो गए थे, यानी ब्रेकअप हो गया था। साल 2002 में दोनों अलग हो चुके थे, और आपको बता दें कि 1999 में पहले उन्होंने हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी, और सारी चीजें वहीं पर फिलहाल आपको बता दें कि वहीं पे सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट होने लगे थे, और दोनों ने फाइनली दोनों की लव स्टोरी बदले में बदल चुकी थी और दोनों ने रिवेंजिंग एक्ट्स आ चुके थे। और आपको साथ ही साथ बता दें कि सलमान ने वास्तव में व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर जीवन में अराजकता पैदा कर दी थी, यानी सलमान खान काफी ऑफेंसिव और काफी आपको बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस करने के शिकार भी होने लगे थे ऐश्वर्या राय पर, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ आगे काम करने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया था, और आगे वह बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी सलमान खान के साथ, और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। सेकंड नंबर पर है अमीषा पटेल। जैसा कि हमने मंच से पहले आपको बता दिया कि ब्लॉकबस्टर को काफ़ी फिल्में दे चुकी हैं, कहो ना प्यार है, गदर जैसी फिल्मों के जरिए अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंची थी, और ये है जलवा में जो उन्होंने सलमान खान के साथ किया था। इतनी लोकप्रियता हासिल करने का अब आपको बता दें कि उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया था कि जितना श्रेय शायद सलमान खान को मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली आगे भी काम करने से इनकार कर दिया था। तीसरे नंबर पर है कंगना रनौत। वह बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो बिना किसी नायक के समर्थन के हिट फिल्में देती की क्षमता रखती हैं। सलमान वही हैं जो अपनी फिल्मों में किसी और को स्टार को ओवरशेड करते हैं। इसके अलावा उन्हें लगता है कि उनकी फिल्मों में अभिनेत्रियों सिर्फ एक बता दें तो एक डॉल हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जैसे कंगना रनौत का कहना है कि वह किसी भी एक्टर को नहीं चाहती कि उनके एक्टिंग को ओवरशेड करें। इस वजह से कंगना रनौत ने सलमान खान के साथ काम करने का फैसले लेना बंद कर दिया था, और फिलहाल उनके इस अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया था। और आपको बता दें, आप यह जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, चौथे नंबर पर है दीपिका पादुकोण। यह नाम देखकर बिल्कुल आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन अभिनेत्री ने सलमान खान के साथ कम से कम 5 फिल्मों को मना कर दिया था, यानी 5 फिल्मों के लिए कर दिया था सलमान खान को इनकार। हालांकि उसने कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अटकलें यह लगाई गई थी कि एक दौरान जब सलमान खान ने रणवीर सिंह को लेकर कुछ ऐसे मजाक बनाए थे, जिसके बाद से दीपिका पादुकोण ने सलमान खान से नफरत करना शुरू कर दिया था और उन्होंने उनके साथ काम नहीं करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि 5वें नंबर पर है ट्विंकल खन्ना। इसी जोड़ी ने जब प्यार किसी से होता है कि केमिस्ट्री में और रोमांस दिखाया गया फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, लेकिन अब उन्हें एक बड़े पर्दे पर फिर से एक साथ नहीं देख पाया गया, और क्या कारण थी या अब तक किसी को नहीं पता है। तो ये वो एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने सलमान खान के साथ काम करने से साफ कर दिया था इनका। आप भी बताइए अपनी राय सलमान खान को लेकर, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।